नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर आजमगढ़ से यहां सामने आई। यहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बैठक की। बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों से यहां मुलाकात की। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हुई। सदर सीट से दुर्गा प्रसाद यादव लगातार 9वीं बार विधायक चुने गए। आजमगढ़ से सटी मऊ बलिया जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर देखने को मिला। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को अचानक आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के घर पर उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच सपा अध्यक्ष की एक झलक पाने के लिए समर्थकों की यहां भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब आधे घंटे तक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस नेताओं के बीच ये बात रखी और क्योंकि निर्णय होने से पहले, निर्णय करने से कम इन लोगों की भी राय सामने आ जाए, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के हित में और पार्टी के हित में जो होगा वो फैसला होगा। अच्छा सर, प्रकाश जी को लेकर तरह की चर्चाएं हो रही, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया, लेकिन फिर भी तो चर्चाएं हो रही है। होली के दिन बीजेपी के लोगों ने इस तरह का काम किया है तो कहा जाता है ना कि बुरा न मानो होली है, इसलिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। और आप अगर अपने सीनियर जर्नलिस्टों से पूछोगे तो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बीजेपी के कुछ लोग जाने माने थे, वो फैला रहे थे अफवाह। खबर पीलीभीत से सामने आई। यहाँ पर सरेआम अश्लील डांस देखने को मिला, जिस पर वीडियो का वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीलीभीत के गांव सुंदरपुर में शनिवार रात बार में अश्लील डांस किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के बाद सामने आया। बाद में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गाँव सुंदरपुर में शनिवार रात बारात से एक दिन पहले युवक ने बिना अनुमति के अश्लील डांस का आयोजन किया, जिसमें एक युवक डांस के दौरान जमकर पैसा लुटाता हुआ भी नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। आप देख सकते हैं किस तरह से ये अश्लील डांस जो है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर बार बालाओं पर नोट उड़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रख रहा है किस तरीके से यहाँ पर सभी नियमों को, कानूनों को ताक पर रखकर किस तरह से यहाँ पर अभद्र तरीके से जो है आपत्तिजनक तरीके से नाच किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर प्रशासन के दावों की, हवाई दावों की, प्रशासन के दावों और नियमों कानूनों को ताक पर रखकर किस तरीके से यहाँ पर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। खबर कानपुर से सामने आई। यहां पर करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर कानपुर के घाटम कोतवाली से है, जहां पर करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक डिगराजा कुशवाहा जो शाह थाना निवासी था, जिसकी 6:30 बजे शाम को घर में बिजली के तार जोड़ते समय करंट लगकर मौत हो गई, जिसको गंभीर अवस्था में हैलेट कानपुर ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना घर में मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौत की खबर सुनकर पत्नी सुनैना बेहोश हो गई। जैसे ही गांव वालों को सूचना मिली, पूरे गांव में मातम छा गया। डिगराज कुशवाहा है, ये अपना घर का लाइट भी, लाइट का तार जोड़ रहे थे बोर्ड से, तभी अचानक करंट लग गया, उसके बाद हम लोगों ने। अच्छा, कितने समय घटना हुई थी? ये लगभग
4:30-5 बजे के लगभग शाम को। नहीं 6:30 बजे। अच्छा, फिर इनको कहीं अस्पताल को कहीं ले गए? हाँ, हमारे गांव के पास नजदीक अस्पताल है, वहाँ ले गए। फिर वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया, तो उसके बाद रिफर करने के बाद चकेरी के पास अवनी अस्पताल है, वहाँ ले गए। वहाँ से भी जवाब दे दिया गया, वहाँ से भी सीधा जाके अलर्ट ले गए। खबर मथुरा से सामने आई, यहां पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की मौत हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर पूरा मामला जो है वो मथुरा से सामने आया। यहां पर छाता तहसील के गांव पैगाम निवासी की राजेंद्र की तुमोला स्थित आगरा केनाल में डूबकर मौत हो गई। मृतक राजेंद्र के परिजनों ने बताया कि ग्राम प्रधान योगेश ने फ़ोन करके राजेंद्र को बुलाया था कि तुम मेरे पास तुम्हें आना है, मैं अपने गांव से बिन डोरी दिलवाता हूं। वहीं राजेंद्र अपने घर से 50,000 लेकर जब तुमोला के ग्राम प्रधान के पास पहुंचा, तो कुछ ही घंटों बाद ग्राम प्रधान का फोन राजेंद्र की नहर में डूबकर मौत हो गई। मौके से उसके कपड़े और मोबाइल फोन मिला हुआ दिखाई दिया। वहीं घर वालों ने इस पर शिकायत को लेकर उप जिलाधिकारी छाता के पास गए और बताया कि मृतक राजेंद्र की मौत डूबने के कारण हुई है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था, उसे मार कर नहर में फेंका गया है। वहीं उप जिलाधिकारी ने मृतक के परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि गोताखोरों की मदद से मृतक को आगरा कैनाल से निलवाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मृतक राजेंद्र के परिजनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान योगेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। आपको बता दें कि पूरा मामला मथुरा से जुड़ा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीड़ित के घर में किस तरह से मातम पसरा हुआ है। पीड़ित का नाम राजेंद्र है, राजेंद्र की मौत हो चुकी है, जिस पर यहाँ पर मातम पसरता हुआ आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके घर में मातम पसरा हुआ है। हमें हमारी दूध चाहिए, आदमी जिंदो है हमारो कैसा भी चाहिए, हमें सबूत चाहिए। क्या हुआ है? वो एक घर से बुलाया जोगेश ने फोन करके, यानी तू मेरी आवाज, तू मेरे के प्रधान ने। अच्छा, उसने जो कही आज राजेंद्र तो बिंडोरी ले, हमें अब हुआ ये बताओ कैसी बिंडोरी लेवाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आपको कैसे जानकारी हुई? हमें वही ने फोन करो, हमारे डोर है 3 बजे। कैसे यो फोन करो के राजेंद्र नहर में गिर हुए। अच्छा, हमें ना पता, हम तो घर कोई ना। खबर मथुरा से सामने आई, यहाँ पर गौ तस्करी के शक के लिए यहाँ पर गौ रक्षकों पर ही हमले हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा में गौ तस्करी के शक में गौ रक्षकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। और आपको बता दें कि ये घटना थाना जैंत के गांव राल की है, जहां वृंदावन गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित के मुताबिक वो अपने साथी बलराम ठाकुर के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे। जब वो राल गांव पहुंचे, तभी आगे चल रही पिकअप गाड़ी से दुर्गंध आने पर उन्होंने गाड़ी को रुकवा कर गाड़ी चेक की, तो उसमें गौवंश के अवशेष थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी और ग्रामीणों ने पिकअप गाड़ी को पलट दिया और चालक के साथ यहां मारपीट करनी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आक्रोश देख चालक के दो साथी यहां मौके से फरार हो गए। विकास पंडित के मुताबिक उन्होंने ग्रामीणों को काफी समझाया, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें भी गौ तस्कर समझकर उन पर भी लाठी डंडों से यहां जमकर हमला बोल दिया। वहीं मारपीट में दो गौ रक्षक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुट गई है। या हम लोग अपने जो गोवर्धन से अध्यक्ष हैं हमारे गौरक्षा विभाग के श्री एस जी, हम उनके पास से आ रहे थे। उनके यहाँ बहुत सप्ताह चल रही थी और वहाँ से लौटते टाइम एक पिकअप हमें दिखाई दी, जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो वो हमने राल पर रुकवाई और उसे रुकवाने के बाद में देखा तो उसमें गौ माता के कटे हुए सर, हड्डियाँ, बहुत सारे गौ माता के अंग उसमें थे। तब तक वहाँ गाँव वालों ने
मारना शुरू कर दिया। दिनांक 20/3 को एक पिकअप गाड़ी जो गोवर्धन से सिकंदरा राव जा रही थी, उसे राल कस्बे में ग्रामीणों व अन्य व्यक्तियों द्वारा रोका गया। गाड़ी में गोमांस व गोवंश की आशंका पर गाड़ी चालक वहीं दो अन्य व्यक्तियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बंधक बनाए गए व्यक्तियों को सकुशल रिहा कराकर हॉस्पिटल। खबर महोबा से सामने आई, यहां पर दबंगों से परेशान एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरा मामला जो है वो यहाँ पे बुंदेलखंड से जुड़ा है। बुंदेलखंड के महोबा में 3 दबंगों की छेड़खानी से परेशान होकर एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, तो वहीं दबंगों की करतूत का विरोध करने पर पीड़िता की मां के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। बता दें कि यूपी सरकार महिला अपराधों को रोकने के महोबा पुलिस के दावे हकीकत में खोखली साबित हो रही है, जब महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली कस्बा अंतर्गत गोविंद नगर इलाके में ये इस तरह की वारदात देखने को मिलती है, जहां पर पिछले एक सप्ताह से मोहल्ले में ही रहने वाले 3 दबंग एक युवती के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। हद तो तब पार हो गई जब तीनों दबंग घर में घुसकर जबरन युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। युवती ने इस बात का विरोध किया तो उसे धमकी देने की कोशिश की गई। बेटी के साथ घटित छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़िता के सामने ही उसकी मां को पीटना शुरू कर दिया। इस सदमे से परेशान पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश कर डाली, जिसके बाद पीड़िता और उसकी माँ को पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी दबंग पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं। हमारे साथ सारे जो घटना हुई है, मेरी लड़की को जो 6-7-8 दिन से परेशान कर रही थी, बोले तुम अपने माँ बाप को बताएगी तुझे जान से मार देंगी। मैं हती सर परदेश में, मेरी लड़की ने फोन लगाया कि माँ तुम घर आ जा, जे लड़का मुझे परेशान कर रही है। ये कुलपहाड़ कस्बे का मामला है। इसमें पहले दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष की महिला घायल हुई थी, जिसमें महिला की शिकायत के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 3 व्यक्तियों के खिलाफ। उसके अगले दिन उसी महिला की पुत्री के द्वारा संभवतः जहर का सेवन या किसी पॉइजन का सेवन कर लिया गया था, जिसके संबंध में उस महिला ने थाने को सूचना दी। माँ जो पुत्री ने उसका सेवन किया था, अभी वो वर्तमान में उसकी हालत ठीक है। खबर गाजियाबाद से सामने आई, यहाँ पर महंगाई की मार से जनता त्रस्त नजर आई। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अचानक लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों का झटका लग गया। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई महीने बाद इजाफा देखने को मिला, जहां एक तरफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए लोगों ने कहा कि उन्हें महंगाई से राहत चाहिए, तो वहीं ट्रांसपोर्टर भी कह रहे हैं कि अब उन्हें भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जाहिर है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के बाद जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं मामले ट्रांसपोर्ट के क्या है। दाम बढ़ गए फिर बाइक वाइक चलाने में दिक्कत होती है, थोड़ा मतलब लाइफस्टाइल पे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। सरकार आपको मीडिया के माध्यम से देख रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, अपील कुछ करना चाहेंगे? पेट्रोल के दाम घटाइए, बस यही कहूँगा। जैसे आप स्टूडेंट होंगे, अपने पेरेंट्स को भी देखते होंगे, क्या मौजूदा जो उनकी सैलरी है, क्या घर चल पाता है आज की तारीख में? ऐसा लगता है कि इस महंगाई के जमाने में चल पा रहा है घर आसानी से? आसानी से तो मतलब हाँ ठीक ठाक है, अभी तो घर में इतनी कोई प्रॉब्लम वगैरह तो है नहीं, लेकिन जो पुअर कैटेगरी से आते हैं उनको दिक्कत होती है पेट्रोल वगैरह डलवाने में। 4 महीने बाद बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल में 79 पैसे, डीजल में 80 पैसे, और कस्टमर कह रहे हैं कि महंगाई की कमर तोड़ हो गई है। ट्रांसपोर्ट में तो डिफरेंट तो काफ़ी भाड़े में फ़र्क पड़ ही जाएगा जी। तो सपोज अगर रेंज 200 किलोमीटर ही लमसम मान के चलें, तो हमारा जो पहला खर्चा आता था उसमें कम से कम 2000-2500 रुपये की ऑलरेडी वृद्धि हो जाएगी, और पार्टियां भाड़ा बढ़ाने को तैयार। खबर बिजनौर से सामने आई, यहां मैदे से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरा मामला बिजनौर से सामने आया। यहां पर नजीम
नजीबाबाद में सुबह लगभग 4 बजे रुद्रपुर से हरिद्वार की ओर जा रहा एक 10 टायर ट्रक पलट गया। बता दें कि रुद्रपुर से मैदा लेकर जा रहा एक 10 टायर ओवरलोडेड ट्रक हरिद्वार की ओर जा रहा था। बताया गया कि सामने से एक तेज गति से आ रहे डंपर से बचने के दौरान साइड में ट्रक का पहिया सड़क से उतर गया और डंपर 2 दुकानों को क्षतिग्रस्त करता हुआ बैंक के सामने पलट गया, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर को यहाँ मामूली चोट आई है। गनीमत की बात यहाँ ये रही कि उस वक्त आसपास कोई सड़क पर मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ट्रक पलटने के बाद सड़क पर यहां जाम देखने को मिला। वहीं जाम की सूचना पाकर मौके पर यहां पुलिस पहुंची, जिन्होंने जाम खुलवाया। अपना उत्तर प्रदेश में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।